वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज टेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जो हमारा कंटिन्यूटी में चैप्टर चल रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आज आपका एक नया टॉपिक होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका जो टाइटल आपका है वो है इंपैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन से, उसकी तबाही से, उसके जो बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उसका क्या असर जो है वह हमारी लाइफ पे, फ्लोरा एंड फना की जो वेजिटेशन है इन पे क्या असर पड़ रहा है, हम इस टॉपिक को दो वीडियोस में कवर करने वाले हैं। पार्ट वन मैंने इसको लिखा है और पार्ट टू जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन आई हैव रिटन सम इम्पैक्ट्स हियर, आई विल डिस्कस वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले कि फॉरेस्ट जो हमारे पहले थे उनकी जो परसेंटेज थी वो 19 point something थी, लेकिन बढ़कर जो है वो 24 point कुछ हो गई है। तो इस तरह से हमारे फॉरेस्ट जो थे वो बढ़े, लेकिन बढ़ने के बावजूद क्या हुआ कि उनकी डिस्ट्रक्शन जो है ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, हमारा जो फ्लोरा और फाना की जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हाफ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं, जो कुदरत ने हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। इस डिस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है कि हमारे फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। हाफ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन मीन्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1/3 ऑफ वेटलैंड्स आर ड्राइड आउट। वेटलैंड्स बाय वेटलैंड्स आई मीन कि आपकी वो जमीन जहां आपका पानी रहता है, जिस जमीन में, जहां पे आपके दलदली जो जमीन होती है, जहां पे पानी ज्यादा रहता है, और वो पानी वाली जमीन जो है 1/3 part जो उसका है वो भी इसके कारण जो है वो ड्राइड आउट हो चुका है। वो जमीन खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है, बारिशें नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो फ्लड्स आ रहे हैं। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके जो अर्थ सरफेस है उस पर पड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 70% ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे, इसकी डिस्ट्रक्शन से जो इसका इम्पैक्ट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो 70% ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड। आपकी सरफेस वाटर बॉडीज, बाय सरफेस वाटर बॉडीज मींस आपकी जो रिवर्स हैं, आपके लेक्स हैं, आपकी स्ट्रीम्स हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, ये सारे पोल्यूटेड हो चुके हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे इंसान क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो इनमें फेंकते हैं, या कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो इसमें मिक्स कर देते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि 70% जो सरफेस वाटर बॉडीज हैं दे आर पोल्यूटेड। नाउ द सेकेंड वन इज, 40% ऑफ मैनग्रोव्स आर वाइप्ड आउट। देखिए, 40% जो मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स वो फॉरेस्ट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो आपके कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। कोस्टल एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स को मैनग्रोव्स कहा जाता है। तो ये क्या है कि 40% जो है ये भी खत्म हो चुके हैं, यानी मैनग्रोव्स जैसे आपके ओशंस में उठने वाली जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं ये उनको रोकते हैं, और उनके रोकने से कहीं ना कहीं जो है इनको नुकसान हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन जो है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो है ये भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 1000s ऑफ स्पीशीज हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू द बैड इंपैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फाना स्पीशीज हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, ये खत्म होने पे आ चुके हैं।
यानी ये क्या है कि इनकी जो स्पीशीज हैं वो अब हमें नहीं मिल सकती हैं। अगर यही कारण रहा, अगर यही वजवाहत जो है ये कंटिन्यू चलती रही, अगर ये कंटिन्यूटी में ये चीज़ें जो है ये अगर लगातार रही, तो हमें ये चीज़ें जो है ये स्पीशीज जो हैं हमें मिलने वाली नहीं है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स जो मैंने आपको बताए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के, जो पार्ट वन वीडियो है। पार्ट सेकंड में हम इसके और भी बहुत सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें आपका जैसे कल्चरल बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच।